सिचुएशन पूरी नज़र बना के रखे हैं हम लोग सिक्योरिटी फोर्सेस और सभी जितने भी हमारी एजेंसीज हैं यहाँ पे अलॉन्ग विद जेके पुलिस, और हम लोग सभी इस पे काम कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि लगातार कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो हमारे एरिया में डोडा में चल रहे हैं। तो कितने हमने पिछले दिनों में यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा में और अभी तक क्या सिचुएशन है, कितने लोगों को आपने अरेस्ट किया है? हमने अभी तक जो कोटा टॉप में हमारा मिलिटेंट्स के साथ कॉन्टैक्ट हुआ था उसमें हमने उस केस में अभी तक 3 लोगों को हमने अरेस्ट किया है। ये तीनों नियर बाई ही गांव है वहाँ पे टांटा ड्रमन करके, तो वहाँ के लोग हैं वो तीनों, उनको अरेस्ट किया हमने जिन्होंने मिलिटेंट्स को एज ए गाइड और लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड किए थे और फिर इन्फॉर्म भी नहीं किया किसी को, उस चीज़ को छुपाया और एरिया में मिलिटेंट्स को सेटल होने दिया। इसी के बेस पे हम लोगों ने उन 3 लोगों को अरेस्ट किया और इसमें आगे भी मतवक्का है कि और भी अरेस्ट इसमें होनी है। तो उनकी आइडेंटिफिकेशन होगी? हाँ, उसमें 2 लोग हैं, एक का नाम सफदर है और दूसरे का नाम मुबशिर है और तीसरे का नाम सजाद है। ये तीनों उसी गांव के हैं तांता द्रमन के, और अभी तक ये 3 अरेस्ट हुए उसमें। तो अभी कितने तादाद है मिलिटेंट्स के जो हैं इसमें? 2 ग्रुप्स का हमारे एरिया में सो फार अभी तक प्रेजेंस कंफर्म हुआ है। एक गद्दो एरिया में जिसमें 4 का नंबर हम लोग बता सकते हैं, जिसमें ये 3 अरेस्ट भी हुए हैं, और तीसरा और दूसरा ग्रुप जो मैं बताऊंगा आपको, जो छतरकला में हमारा इंसिडेंट हुआ था, 2 से 3 हम लोग लेके चल सकते हैं कि 2 से 3 लोग उस इंसिडेंट में भी इन्वॉल्व थे। जम्मू कश्मीर पुलिस किस तरह से काम कर रही है? सभी सिक्योरिटी फोर्सेज, इंडियन आर्मी, जेके पुलिस, इसमें लगातार और जो हमारी बाकी एजेंसीज हैं सब लोग इसमें अलर्ट हैं और सब लोगों को ये थ्रेट पता है और उसको अकॉर्डिंगली जैसा थ्रेट है उसी हिसाब से हम उसको डील कर रहे हैं। तो क्यों आपको लगता है कि यूथ जो है दोबारा क्यों इस तरफ जा रहा है? क्या बाहर की कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जो उनको इस रास्ते पर दोबारा वापस लेके जा रही है? देखो, मैं इस वक्त यही चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारी आवाम हमारे साथ है और ये जो हम लोग पकड़े गए हैं ये भी लोगों की कोऑपरेशन की वजह से ही, लोगों की इन्फॉर्मेशन देने की वजह से ही पकड़े गए हैं। सो जब तक लोगों का साथ फोर्सेस के साथ है, जेके पुलिस के साथ है, किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या लगता है सर, सोशल मीडिया कितना रोल प्ले करती है इन चीज़ों में, कि यहाँ के रूल को भड़काना और दोबारा इस तरफ? अभी जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन हुई है इसमें हम इस चीज़ को कंफर्म नहीं कर सकते कि यहाँ के लोगों को, यूथ्स को भड़काया जा रहा है या उसमें इसको इनको या लोग हमारे इंटरेस्टेड हैं इस मिलिटेंसी वाले मसले में दोबारा से जाने के लिए। सो इसमें कोई घबराने की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ के लोगों को ज़रूरत नहीं है।